है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं कान्हा जी की एक और नए डिजाइन की ड्रेस। तो उसके लिए ये देखिए, मैंने ये दो कलर लिए हैं, ग्रीन कलर है और ये वाइट कलर है। तो इस कलर में आप भी बना के देखना, ड्रेस जो है बहुत ही सुंदर बनेगी, क्योंकि उसका जो डिजाइन मैं बना रही हूँ वो बहुत ही सुंदर है। तो उसके लिए ये देखिए, मैंने ये जो है चोली का जो ऊपर वाला हिस्सा, चोली जो बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं हम, वो मैंने इस तरह से बना रखा है। तो यहाँ पे मैंने पहले शुरू में मैंने यहाँ पे 17 मैंने यहाँ पे चैन डाली है, फिर उनके ऊपर ही मैंने ये 17 जो है डबल क्रोशिया बनाया है। और फिर इसके बाद ये वाला जो राउंड है, सेकंड नंबर वाला, इसमें मैंने यहाँ पे पहले एक डबल क्रोशिया बनाया है और बाकी हर चैन में मैंने डबल क्रोशिया बनाया है दो बार। ये देखिए इस तरह से, ये डबल क्रोशिया मैंने एक चैन में दो बार बनाया है इस तरह से, और यहाँ लास्ट में आने के बाद भी मैंने यहाँ पे एक ही डबल क्रोशिया बनाया है, और बीच में ये 16 बार मैंने बनाया है डबल क्रोशिया। तो 32 ये हो गए, एक ये 33 और ये कि ये 34। तो 17 के ऊपर मैंने 34 बनाया है, और उसके ऊपर फिर मैंने ये लगाया है सिंगल, मैंने ये जो डबल क्रोशिया बनाते हैं वो मैंने बनाया है इस तरह से, एक आउटलाइन जो बनाई है, और यहाँ पे मैंने वो धागा कट कर दिया, और यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे धागा कट हो गया, लेकिन जो ये वाइट वाला है ये इसके ऊपर ही लगा हुआ है। अब हम इसे ही वापस लेके धागे को, और हम नया जो डिजाइन बना रहे हैं वो इसमें बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो या पिछली कैप बनाना नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आइए हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए ये देखिए, मैंने ये जो पहली चेन है उसके अंदर मैं ये क्रोशिया डाल रही हूँ। ये इस तरह से क्रोशिया डालने के बाद फिर ये वाइट वाला जो धागा है ये हम निकाल लेंगे, और यहाँ पे हम 3 चैन डालेंगे। ये हम यहाँ पे डालेंगे क्रोशिया जो है, और फिर हम 3 चैन डालेंगे। ये 3 चैन डालने के बाद फिर हम यहाँ पे आगे वाली जो चेन है वहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह, फिर आगे वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ये इस तरह से, फिर आगे वाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारे 4 हो गए हैं, क्योंकि हम ये जो 3 चैन बनाई थी वो भी साथ में गिनेंगे, तो ये 4 हो गए। एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसके बाद फिर एक लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया है वो बनाएंगे। ये देखिए, ये मैंने टोटल 6 बना लिए हैं डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 5 चैन छोड़ने के बाद हम ये 7वीं जो चैन है उसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे ये इस तरह से, और फिर आगे वाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाते हुए आगे जाएंगे। ये हमारा जो है, ये फ्रंट साइड का जो है चोली बन रही है, और ये बैक साइड की चोली बन रही है। तो ये देखिए, हम इस तरह से ये डबल क्रोशिया है बनाते हुए जाएंगे। यहाँ पे हम ये 10 से 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर चेन में एक के बाद डबल क्रोशिया बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे कितने चैने बचती हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारी ये चैने जो हैं ज़्यादा बच रही हैं, तो हम 2 बार और डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये देखिए, अब हमें यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, हमें ये इस तरह से यहाँ पे 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, ये 2, ये 3
और इसको हम साथ में इस तरह से पीछे करके धागा और इसको अंदर ले लेंगे ताकि ये धागे जो है पीछे दिखे नहीं। ये इस तरह से हम बनाएंगे। तो ये चार हो गए, ये पांच, और जो लास्ट हम डबल क्रोशिया बनाएंगे वो चेन के अंदर बनेगा, ये छह। ये छह हमने इधर डाल दिए, छह इधर डाल दिए। तो ये देखिए इस तरह से हमारे जो है ये कान्हा जी की जो चोली होती है वो बनके तैयार हो गई है। और यहाँ पे जो हमने ये आउटलाइन जो डाली है उससे ये देखिए ड्रेस का जो है डिजाइन कितना सुंदर बनके आया है। ये इस तरह से हम बनाएंगे। अब हम यहाँ इसे यहाँ पे हम इसको जोड़ लगा देंगे यहाँ पे। जैसे ये जो हमने तीन चैन बनाई थी, एक दो और ये तीन, तो ये तीसरी जो चैन है हम इसके अंदर इसे ऐसे जोड़ देंगे और तीन चैन लगाएंगे। फ्रेंड्स ये जोड़ने के बाद हमें अब यहाँ पे तीन चैन लेनी है इस तरह से, और फिर इसी के अंदर ही हमें ये डबल क्रोशिया बनाना है, और फिर आगे वाली जो चैन है उसके अंदर भी हमें डबल क्रोशिया ही बनाना है। मतलब हमें हर चेन में डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड जो है कंप्लीट करना है। ये इस तरह से ये दो डाले हैं, ये जो चेन है तीन चेन डाली है वो साथ में गिनेंगे तो ये एक में मैंने दो डाल दिए, फिर दूसरी चेन में मैंने ये दो डबल क्रोशिया बनाया है, अब ये तीसरी चेन में भी मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ दो बार, और ये फिर अगली चेन में भी हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है दो बार। ये देखिए इस तरह से हमें ये राउंड जो है कंप्लीट करना है। तो हम ये राउंड जो कंप्लीट कर लेते हैं, ये हमारा जो राउंड है ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये जो तीन चेनें हमने डाली थी ये तीसरी चेन में जो हमें इसे कंप्लीट करना है इस तरह से, और अब हम डिजाइन डाल रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारी जो चोली बनाई हुई है कान्हा जी की, ये देखिए ये बीच में आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम तीन चेन बनाएंगे और फिर इसी के अंदर ये वाले जो है छोड़ के हमें, और फिर ये आगे वाली में हमें इस तरह डबल क्रोशिया बनाना है। ये एक टर्म डबल क्रोशिया बनाएंगे आगे वाली चेन में, हम इस तरह एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर उसके बाद ये आगे वाला जो क्रोशिया है ये देखिए यहाँ पे हमने बनाया है डबल क्रोशिया, और अब ये जो है ये आगे से इस तरह उठाएंगे इसको और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें दो बार डबल क्रोशिया बनाना है, दो चेन पे दो डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से। ये देखिए हम ये आगे वाला उठाएंगे डबल क्रोशिया जो है, अब उसके ऊपर भी हम इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए ये दो हमने डबल क्रोशिया बनाया है। अब इसके आगे वाली चेन में हमें यहाँ पे हमें इस तरह डबल क्रोशिया बनाना है, और इससे आगे वाली चेन में भी हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद फिर से हमें ये आगे वाला जो है ये उठाना है और इस तरह डबल क्रोशिया बनाना है फिर से। फिर हम आगे वाला उठाएंगे डबल क्रोशिया, और फिर भी यहाँ इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे वाला जो है इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया दो बार बनाया है चैन के ऊपर, फिर हमने ये आगे वाला दो डबल जो क्रोशिया है वो उठा के हमने इस पर डबल क्रोशिया बनाया है, फिर आगे वाला डबल क्रोशिया उठा के इसके ऊपर आगे की साइड में फिर से दो डबल क्रोशिया बनाया है, फिर चैन के ऊपर हमने ये डबल क्रोशिया लिया है। तो इसी तरह से हम ये जो राउंड है अपना पूरा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये आगे की साइड में दो डबल क्रोशिया बनाया है, फिर ये चेन के ऊपर एक बना लिया, अब दूसरी चेन के ऊपर भी हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे, और फिर से हमें ये आगे वाला जो डबल क्रोशिया है वो इस तरह उठाएंगे और इस तरह डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह हम ये जो राउंड है पूरा कर लेते हैं, फिर हम दूसरा राउंड जो है वो कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स हमारा ये जो राउंड है ये ख़त्म हो चुका है, और ये जो
हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया हुआ है दो चैन के ऊपर, और यहाँ पे लास्ट में हमारे ये हमने जो है फ्रंट साइड में उठा के डबल क्रोशिया, फिर ये हमने ऊपर इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाया है। तो अब हम यहाँ पे इसको जॉइंट करेंगे तीसरी चेन में, ये देखिए इस तरह से इसको जॉइंट कर देंगे, और फिर हमें तीन चेन बनानी है। और अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने बनाए थे, तो अब अगली चेन में हम फिर से ये क्रोशिया डबल बनाएंगे, ये दो हो गए। अब हमने जो ये फ्रंट साइड के जो डबल क्रोशिया बनाए थे इस तरह से उठा के, इस तरह से उठा के बनाए थे, उससे पहले ये देखिए ये जो चैन आ रही है इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारे तीन डबल क्रोशिया हो जाएंगे, एक ये चैन वाला और दो मैंने अभी बनाए हैं वो हो जाएंगे। और जो ये डबल दो क्रोशिया है इस इनको हम इसी तरह से ही उठाएंगे फिर से, और इस तरह डबल क्रोशिया बना देंगे, और फिर इसको भी हम दूसरा जो है उसको भी इस तरह से उठाएंगे और ऐसे ही बना देंगे। ये इस तरह से बना के हम डबल क्रोशिया पूरा करेंगे, और फिर हम आगे इस जो ये डबल क्रोशिया बनाया हुआ है इसके ऊपर वाली चेन पे ही हम ये एक डबल क्रोशिया बना दिया हमने, और ये आगे वाली चेन पे भी हमने डबल क्रोशिया बना दिया। अब ये जो आ रहे हैं दो मैंने बनाए थे इस तरह से उठा के, तो उससे पहले ये एक चेन और आ रही है, हम उसके अंदर भी डबल क्रोशिया बना लेंगे, ये देखिए इस तरह। तो यहाँ भी हमारे ये तीन डबल क्रोशिया जो है वो बन गए हैं चैन के ऊपर। अब फिर से हमें यही उठाना है जो पहले उठाए थे, वही फिर से उठा के इसी तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसके साथ वाला है उसको भी इस तरह से उठा के और इस तरह डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमें ये जो सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर वाली चेन में भी सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है, सॉरी डबल क्रोशिया चैन के ऊपर, और फिर दूसरा जो हमने बनाया था डबल क्रोशिया उसकी चैन के ऊपर भी हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये दो के ऊपर तो दो आ गए, तीसरा ये चैन आ रही है ये चैन, इसी के अंदर हम फिर से बनाएंगे। तो ये हमारा तीन बार डबल क्रोशिया हो गया, और फिर इसको उठाएंगे, यही हमने पहले उठा के डबल क्रोशिया बनाया था, अब ये इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, और फिर ये इससे आगे वाला है इसको भी डबल क्रोशिया ही बनाएंगे इस तरह उठा के, और फिर ये सिंगल जो हमने डबल क्रोशिया बनाया चैन के ऊपर उसके चैन के ऊपर भी हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे, आगे भी ये इस तरह से बनाएंगे। तो पहले हमने पहले राउंड में हमने यहाँ पे ये डबल क्रोशिया जो है दो बार बनाया था, और अब जो है सेकंड राउंड में हमें ये तीन बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो हम ये राउंड जो है कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स हमने ये एक जो राउंड है ये भी कंप्लीट कर लिया है, अब हम ये आगे चल रहे हैं। तो ये यहाँ पे इसे इस तरह से कंप्लीट करके हमें तीन चैन बनानी है, और फिर हमें ये आगे वाले चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम आगे वाले चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारे तीन तो बन चुके हैं जैसे हमने नीचे ये तीन डबल क्रोशिया बनाए थे। अब हमारे यहाँ पे एक जो डबल क्रोशिया है वो बढ़ेगा, वो कैसे कि इसको हमने उठा के बनाया था, ये जो है हमने उठा के बनाया था, उससे पहले ये चैन जो आ रही है इसके अंदर भी हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमने पहले दो डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर हमने तीन डबल क्रोशिया बनाए हैं, अब हमारे ये चार डबल क्रोशिया हो गए चेन के समेत ही, ये चेन भी हमें गिननी है तो चार हो गए। अब हमें क्या करना है, ये देखिए ये जो लाइनिंग आ रही है, ये लाइन जो है मोटा साइज सा दिख रहा है आपको, उसी को हमें फिर से इस तरह से उठाना है, और ये इस तरह डबल क्रोशिया बना के आगे जाएंगे। ये इसके साथ वाला जो है उसे भी हमने उठा के ही बनाया था, तो हमें यहाँ भी इसे उठा के डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें आगे वाली जो चेन है यहाँ पे ये डबल क्रोशिया बनाया हमने, ये दूसरी आगे जो चेन है उसके अंदर भी हमने ये डबल क्रोशिया बनाया, दो हो गए, ये तीन हो गए, और ये चौथी बार हमारा जो है यहाँ पर ये जो चैन बनी है ये हमने उठा के बनाई है दोनों, तो उससे पहले ये है इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह। तो यहाँ भी हमारे चार हो गए, तो इस राउंड में हमारे ये चार डबल क्रोशिया हो गए, और ये दो हमारे जो है इस तरह से फ्रंट साइड से उठा के
और हमें ये डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमने एक बनाया और इसके साथ वाले भी उठा के इस तरह से बनाएंगे, ये डबल क्रोशिया बन गया। तो इसकी जो लाइनिंग बन रही है ये अलग ही आ रही है, जो हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं तो इसका डिजाइन जो है वो अलग आ रहा है। ये ऊपर उभरा हुआ सब आ रहा है और ये जो डबल क्रोशिया बना रहे हैं हम वो नीचे दबा हुआ आ रहा है, तो ये डिजाइन अलग तरह से ही बनता हुआ आगे जा रहा है। अब हम यहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ भी हमारे चार आएंगे, तो हमारा ये जो राउंड है यहाँ पे पूरे डबल क्रोशिया जो है चार चार ही आएंगे। तो हम ये भी कंप्लीट कर लेते हैं राउंड, ये देखिए। अब फिर से हम ये उठाना है, हर चार डबल क्रोशिया के बाद हमें ये जो फ्रंट साइड का डबल क्रोशिया है इसे इस तरह से उठा के ही बनाना है, ये देखिए। तो यहाँ पे ना हमें चैन बढ़ानी है और ना ही घटानी है, बस ये इस तरह से अपने आप ही बढ़ता हुआ जाएगा इस साइड से, यहाँ से नहीं बढ़ेगा, ये सिर्फ इस साइड से ही बढ़ता हो जाएगा। यहाँ से इस साइड से एक चैन जो बढ़ी है वहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया, अब यहाँ पे इस साइड में भी एक चैन बढ़ेगी तो वहाँ भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा जो डिजाइन है और ये जो राउंड है कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने जो राउंड है कंप्लीट किया है, अब यहाँ हमें इसे इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे और फिर से तीन चैन देंगे। तीन चैन देने के बाद फिर हम इसके अंदर बनाएंगे आगे वाले चैन में, और फिर आगे वाले चैन में भी बनाएंगे, ये भी हमारे डबल क्रोशिया ही बनते जा रहे हैं। और यहाँ भी हम बढ़ाएंगे, जैसे हमने नीचे चार डबल क्रोशिया बनाए थे तो ऊपर ये चार डबल क्रोशिया बन चुके हैं। अब ये देखिए यहाँ पे एक चैन जो है और बढ़ रही है, ये देखिए ये क्रोशिया हमने उठा के बनाए हैं फ्रंट साइड से, इसके साथ ही ये वाली चैन जो है इसमें भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये अब की बार हमारे पांच डबल क्रोशिया बने हैं और अब ये जो है इसे उठा के इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे डबल क्रोशिया बना के, ये देखिए इस तरह इसके साथ है जो उसको भी उठा लेंगे, डबल क्रोशिया बनाया और यहाँ पे फिर आगे वाली जो चैन है उसके अंदर डबल क्रोशिया बनाया हमने, एक बार बनाया ये आगे वाली चैन में, फिर दूसरी बार बनाया, फिर ये आगे वाली चैन में हमने तीसरी बार बनाया, और ये आगे वाली चैन में हमने फिर से चौथी बार बनाया है, और ये पांचवी चैन जो हमारी और बढ़ के आ रही है इसके अंदर भी हम पांचवी बार जो डबल क्रोशिया है वो बनाएंगे। अब इसके नीचे वाला ही है ये रहा उठा के बनाना है, ये बना लेंगे, ये फ्रंट साइड से फिर उठाएंगे इस तरह, फिर इसको डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये जो हमारे डबल क्रोशिया है ये इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो अब आप अगर चाहें तो इसको आप कितना भी बड़ा कर सकते हैं अपने ठाकुर जी के हिसाब से, क्योंकि मेरे ये देखिए मैंने यहाँ पे पहले डबल डबल क्रोशिया ही बनाए थे, हर चैन में मैंने डबल क्रोशिया डाला, उसके बाद हमारा जो है ये राउंड शुरू हुआ था, फिर हमने ये दो चैन डाली थी, फिर तीन चैन आ गई, यहाँ पर हमने दो चैन डाली है, फिर यहाँ पर तीन चैन डाली है, यहाँ पर चार और ये पाँच। अब यहाँ पे हमें एक राउंड और लगाना है जो छः होएंगे इसके ऊपर, तो छः जो डबल क्रोशिया बनाएंगे वो भी हम राउंड जो है कंप्लीट करेंगे, और उससे पहले हम ये राउंड जो है कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे वाला जो डिजाइन है वो बनाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिए हैं दो राउंड, और यहाँ पर ये हमारे जो है डबल क्रोशिया ये छः बार आए हैं, फिर हमने ये दो जो है फ्रंट साइड से उठा के और फिर इनका डबल क्रोशिया बनाया है। तो ये देखिए ये अलग ही डिजाइन आ रहा है यहाँ से जहाँ से हमने ये शुरू किया था, ये देखिए ये इस तरह से बिल्कुल एकदम से गोलाई जो है बिल्कुल सीधी और आ रही है, और डिजाइन भी सुंदर लग रहा है, और यहाँ पे कहीं भी हमें ये नहीं लग रहा भी यहाँ से हमने ये राउंड शुरू किया है या कहाँ से हमने ये राउंड को एंड किया है, क्योंकि ये जो है देखिए ये एकदम डबल क्रोशिया की तरह ही हमारी जो चैन है तीन वो बनती आई है, तो इसके साथ ही ये मैच हुई है, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से ये डिजाइन सुंदर लगा है। और अब हम आगे वाला जो डिजाइन है वो बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए ये इस तरह से हमने एक चैन डाल रखी है और ये दो चैन डाल लेंगे, और फिर हम एक और ये दो दो जो है चैन छोड़ के हमें यहाँ पे ये इस तरह से हाफ क्रोशिया बनाना है, फिर से
ये तीन चेन छूट गई है, हमें दो ही चेन छोड़नी है यहाँ पे, और हमें ये इस तरह से डबल क्रोशिया या आप डबल क्रोशिया चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस तरह से सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हैं इस तरह से। लेकिन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो ये जो चीज़ है हमें यहाँ पे एक होल रखना है वो नहीं रहेगा, तो इसलिए हमें ये डबल क्रोशिया बनाना है, हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से ये धागा लेंगे एक और ये दो, ये तीसरी में हम ये इस तरह से, ये जो तीनों ही हैं जो हमारे इसमें क्रोशिया में धागे वो तीनों ही निकाल देंगे, फिर एक और ये दो, ये दो चेन डालने के बाद फिर एक और ये दो, दो छोड़ेंगे और फिर से ये हमें फ्रेंड्स ये दो की जगह हमें ये तीन ही लेनी होगी चेने, क्योंकि हमें ये दो जो है चेन छोड़नी है, तो यहाँ पे फिर ये चेन जो है इकट्ठी ना हो इसलिए तीन चेन रखेंगे, तो एक और ये दो छोड़ के फिर तीसरी चेन में हमें इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया जो होता है ये बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर से हमें यहाँ पे तीन जो चेन देनी है, और फिर से हमें एक दो और ये तीसरी चेन में हमें इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम एक जो राउंड है ये लास्ट वाला ये हम कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर इसके आगे जो हमें डिजाइन बनाना है वो फिर हम शुरू करते हैं। तो पहले ये राउंड जो है कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम ग्रीन वाला जो धागा है वो लगाएंगे, तो इसका डिजाइन हमें कैसे बनाना है ये देखिए, ये हमने इसी के पास ही शुरू किया है, तो ये इस तरह से हम निकाल लेंगे और तीन चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाने के बाद फिर हम यहाँ पे एक ये दो ये तीन, ये तीन डबल क्रोशिया हमने निकाले हैं और एक हमारी ये चेन हो गई, तो इस केस में तो हमें ये चार डबल क्रोशिया गिनना है, तो ये चार डबल क्रोशिया हमारा हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम हमने चार जो डबल क्रोशिया है तो यहाँ पे हम अभी और बनाएंगे, ये पांच, ये छह डबल क्रोशिया हो गए हमारे। अब हम यहाँ पे एक चैन दे देंगे और फिर हम यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस होल में हम सिंगल और चैन बना लेंगे इस तरह से, और फिर से हम दो चैन लगाएंगे। दो चैन बनाने के बाद फिर हम ये जो लाइनिंग हमने बनाई है फ्रंट साइड से उठा के, तो पहले हम यहाँ पे इस तरह से क्रोशिया जो है यहाँ पे हम इस तरह से क्रोशिया निकालेंगे, और फिर हम यहाँ पे इस तरह सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर से हम डबल चैन दो चैन देंगे, और जैसे हमने ये जो उठाया था ये क्रोशिया फ्रंट साइड से इसी तरह से हम उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से हम दो डबल क्रोशिया चैन बनाएंगे, फिर ये नीचे वाला जो है यहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया हमने बना दिया, फिर हम दो चैन बनाएंगे, और फिर से हम ये आगे वाला जो है ये वाला ये उठा लेंगे डबल क्रोशिया, और फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चैन बनाएंगे, ये फिर से सिंगल क्रोशिया आ गया, और फिर से हमें ये दो चैन बनानी है, और उसके बाद फिर से ये हमें आगे वाला ये जो डबल क्रोशिया है ये उठाना है और सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर से ये दो चैन लगा ली, अब हमें ये नीचे वाला और उठाना है, ये इस तरह उठाने के बाद फिर हम एक चैन लगाएंगे और इस तरह से ये जो है हमारा क्रोशिया ये इस तरह से जाएगा, अब ये ऐसे उठाएंगे हम, ऐसे उठाने के बाद फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे
फिर से दो चैन लगाएंगे, फिर हम इसे इस तरह उठाएंगे, तो ये जो है यहाँ तक हम बना लिया, हमने यहाँ तक क्रोशिया बना लिया है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे और फिर से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर हमें तीन चैन देनी है यहाँ पे, फिर से हमें इस तरह ही जितने क्रोशिया यहाँ बनाए थे उतने ही बनाने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो एक ये चेन हो गई, एक डबल क्रोशिया हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, इस तरह से हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से हम इसके अंदर जाएंगे, क्रोशिया को इस तरह से तिरछा निकाल के फिर से हम ये सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर हम ये डबल चेन बनाएंगे और आगे वाला जो है ये उठा के यहाँ भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें यहाँ तक ये जो राउंड है यहाँ तक पूरा इस तरह से घुमा के यहाँ लेके आएंगे, इस तरह से नीचे से यहाँ कंप्लीट करेंगे, तो ये राउंड जो है हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जो राउंड है एक राउंड पूरा कर लिया और अब ये जो लास्ट है ये हम यहीं पे इसके अंदर ही इस तरह से जॉइंट कर देंगे और धागा जो है वो काट लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो ड्रेस बनी है ये देखिए कितनी सुंदर ड्रेस का डिजाइन जो है उभर के आया है। ये देखिए, अब हम यहाँ पे अगर चाहें यहाँ पे तो हम बटन वो मोती भी लगा सकते हैं यहाँ पे, तो ड्रेस और भी ज़्यादा सुंदर होगी। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी मोती लगा सकते हो या कोई बीड्स वगैरह कुछ भी लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ है अब हमें ये जो है ये देखिए ये देखने में सुंदर नहीं लग रही, तो अब हम यहाँ पे एक डिजाइन बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे इसकी आउटलाइन बना लेते हैं, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे इस तरह से, और ये जो साइड है हम इसे भी इस तरह से पकड़ेंगे और शुरू, ये हम इस तरह से शुरू करेंगे इसको, दो चैन बनाएंगे, फिर हम ये जो ग्रीन वाला है इसके अंदर लेके जाएंगे और इस तरह सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके अंदर लेके जाएंगे और फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे हम कॉर्नर पर आएंगे, ये देखिए इस तरह से इस चैन के अंदर हम डालेंगे और यहाँ पे हमें दो सिंगल क्रोशिया बनाना है ये इस तरह, फिर हम दो डबल दो चैन बनाएंगे और आगे इसके अंदर डाल देंगे। तो इस तरह से हमें ये राउंड जो है कंप्लीट करना है, यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं गोलाई से। तो फ्रेंड्स, हम इसे भी इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पे हम जहाँ से शुरू किया था वहीं पे हम इसे इस तरह जॉइंट करके और ये जो धागा है काट देंगे और ये धागा पीछे की साइड हम निकाल देंगे, ये यहाँ पे हम इसे इस तरह निकाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी ड्रेस जो है इस तरह से बन के तैयार हो जाएगी। अब हम यहाँ पे यहाँ इस साइड पे हम इस पर मोती लगाएंगे सुई में धागा डाल के, तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये यहाँ पे हम इस तरह सुई को निकालेंगे और फिर हम इसके अंदर एक मोती डाल देंगे और फिर हम इसे इस तरह से लेके आएंगे सुई को अपनी तरफ और ये इस तरह इसको जॉइंट करेंगे और फिर हम इसी के अंदर लेके जाएंगे
और यहाँ पे हम ये जो सुई है निकाल देंगे और फिर से हम इसके अंदर एक मोती भरेंगे और फिर यहाँ बैक साइड से ही हमें फिर से आगे निकालेंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमारे जो मोती हैं वो निकल लगते जाएंगे। तो हमें इस तरह से ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है, वो कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये ड्रेस बना के शुरू तैयार कर ली है। यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा मोती लगा के ये वी का शेप दिया है और बैकग्राउंड में ये देखिए हमने बिल्कुल सीधी जो लाइन है वो बनाई है मोती लगा के। ये इसकी बेल्ट तैयार होगी। ये देखिए कितना सुंदर डिजाइन बना है। तो ये 2, 3 और 4 नंबर ठाकुर जी हैं, उनके ये ड्रेस पूरी आएगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स।